हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर भरत गोयल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जीएसएस डीजीएस खालसा कॉलेज पटियाला। टुडे आई एम अगेन हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर माय सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक रिलेशंस। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द रिलेशन डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। वी हैव डिस्कस्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, द सिमेट्रिक रिलेशंस, द ट्रांजिटिव रिलेशंस। Now, in this video, we will discuss the another important type of the relations, that is equivalence relations. अभी पहले बात ये होती है कि equivalence relations की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक example जो है वो quote कर रहा हूँ, fractions versus rationals. Observe these fractions: 1/2, 2/4, 3/6. 4/8, 5/10, are these fractions are same or different? Obviously, you will all say 1/2 and 2/4, they are same. 1/2 and 2/4, they are equal. 2/4, 3/6, all these three are also equal. But if the term is of representation, then we say 1/2, 2/4, 3/6, they all are represented differently, because here we have used the 1 and 2, here we have used 2 and 4, but value wise they are same. So equivalence relation jo hai wo yahi kaam karta hai hamare paas. Hum jaisa relation define karenge us relation ke mutabik ye jo elements hain jo representation wise different hame nazar aa rahe hain, ye actual mein ek hi class ke members hain, एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2. तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करेगा, हमें ये वाले सारे नंबर्स जो हैं वो शो करके देगा कि ये कैसे सारे के सारे 1/2 को ही रिप्रेजेंट करते हैं. अभी आपने कहा कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सभी नंबर्स इक्वल हैं, लेकिन आप इक्वल किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास रिलेशन है डिविजिबिलिटी का. आपने क्या किया, 2 और 4 को कटिंग कर दिया, तो ये बन गया 1/2, ये दोनों सेम आ गए. तो जब मैंने ये वाला रिलेशन आपको बताया तो आपने कहा कि यस दे आर सेम, नाउ दे आर ऑफ द सेम वैल्यू. तो रिलेशन यहां पर क्या रहा, वैल्यू का. तो इसी वजह से ये सारे के सारे सेम हम कंसीडर करने लगे, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो ये डिफरेंट थे. तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसी चीज को हमें जस्टिफाई करके देगा कि अगर हमें किसी वैल्यूज को चेक करना है कि वो सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं या डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम उनके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और उस रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं. अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ तो हमें ये वो उस सेट में से ही वो चीजें निकाल कर दे देगा जो जो एक ही तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूं. तो इसका आंसर क्या रहा, दे आर डिफरेंट सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर द सेम रैशनल नंबर. वही बात आ गई, सिंबल्स तो डिफरेंट थे लेकिन जब हमने वो डिविजिबिलिटी वाला रिलेशन बताया तो उसकी वजह से ये सारे के सारे क्या हुए, सेम रैशनल नंबर. तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ये काम करके देगा यहाँ कि जो नंबर सेम होंगे उनको वो एक तरफ निकाल देगा और जो नंबर डिफरेंट होंगे उनको वो दूसरी तरफ निकाल देगा. तो कैसे, अब इस बात का आंसर हमें जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मिलता जाएगा. बट पहले बात यह है, इस वीडियो में जो हमने मेनली डिस्कस करना है वो रहेगा कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन को समझना है और चेक करना है कि कैसे हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हैं. तो इसके लिए ये देखिए क्या लिखा, व्हेन अलजेब्रिस्ट हैव ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड विश टू थिंक ऑफ मोर देन वन ऑफ देम एज द सेम ऑब्जेक्ट. अभी हमारे पास क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि उनमें से एक से ज्यादा जो हैं, जो चीजें हमारे पास उस सेट में पड़ी हैं, उनमें से कौन सी चीजें जो है वो एक से ज्यादा जो एक जैसी ही नजर आती हैं, तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करते हैं. अब देखिए कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है, क्या इसकी डेफिनेशन है. पहले हम इस वीडियो में सिर्फ इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियोस में जो फर्दर वीडियोस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ये जो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से एक ही उनको अलग करना है और दूसरी चीजों को अलग करना है. लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट.
तो फेमिलियर इक्विवेलेंस रिलेशंस जो है हमारे पास, जैसे अर्थमेटिक का ऑपरेशन है, इक्वल्स का ऑपरेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे, ये आगे वाली स्लाइड्स में आपको पता लग जाएगा। फ्रॉम द लॉजिक इफ एंड ओनली इफ का जो रिलेशन है, ये जो सिंबल है इफ एंड ओनली इफ का, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। जब हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, ये सारी दोनों चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ इन दिस सेशन वी विल केयरफुली डिफाइन द नोशन of the equivalence relation, define the equivalence relations and give some important examples of equivalence relations. Ab kya iski definition hai? An equivalence relation on a set S is a set capital R, is capital R se hum relation ko denote kar rahe hain, of ordered pairs of elements of S. Pichli video mein humne bataya tha relation kya hota hai, kisi bhi set ke upar एक ordered pairs की collection होती है a, b, where a belongs to s and b belongs to s. तो equivalence relation जो है वो collection of ordered pairs होगा of elements of s such that first condition a belongs to r for all a in s. This condition is known as the relation should be a reflexive relation. a, every element is related to itself. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आपको किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए चेक करना है। The second condition is AB belongs to R, means if A is related to B, then B, A belongs to R, B should be related to A, and this property is called the symmetric property of the relation. And the third is AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. That means if A is related to B and B is related to C, then we must have A related to C, or this property is called the transitive property. पिछली वीडियो में हमने ये सारा चेक करा था कि कैसे किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, कैसे किस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और कैसे किस रिलेशन को हमने ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो इन तीनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो रिलेशन ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट रिलेशन इज कॉल्ड ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव को हम देखिए डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज रिलेटेड टू ए, ये देखिए एरो बनाया, इसका मतलब एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। This is called the reflexive property. अभी symmetric property, A is related to B, then we must have B related to A. This property is called symmetric property. And the third one, A related to B and B related to C, then A should be related to C, and this property is called the transitive property. So these are the three properties which a relation must satisfy, then it would be a equivalence relation. Ab notation kya rahegi? Given a relation R, we usually write A R B. Ye pichli video mein bhi maine bataya tha, A B belongs to R ki bajay hum A R B. That means it should be written as A is related to B. For example, x equal to 1 instead of x1 belongs to the relation equals to. ये relation है हमारा, equals to का relation है, और अगर हम कह रहे हैं कि x1 इस relation को belong कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, x is equal to 1. और इसी तरह से जैसा दूसरा operation जो मैंने बताया था logic वाला if and only if, p q belongs to if and only if की बजाय हम क्या लिखेंगे, p if and only if q. That means P is related to Q under the relation if and only. Similarly here, X is related to 1 under the relation equals. Now, एक बार फिर से मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं, इसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स पे आ जाएंगे। तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस नोटेशन को याद रखना है आपको। नॉर्मली ये नोटेशन रहेगी, बाकी जो किसी रिलेशन की अलग से नोटेशन होगी वो अलग से हमारे पास आती रहेगी। तो ये नोटेशन चलेगी इसकी रिलेशन के लिए। Is an equivalence relation of S if this symbol, that means this relation is reflexive, that is A related to A for all A in S. S is any set on which we are defining the relation. Symmetric, A related B must implies B related A for all AB in S.
and transitive. A related B and B related C implies A related C for all A, B, C in S. Now, अभी हमने इक्वालिटी की बात करी थी, अब उसको वेरीफाई करेंगे क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो देखिए, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स A इक्वल टू A फॉर ऑल A इन Z, ऑब्वियसली इट इज ट्रू, हर एक इंटीजर अपने आप के इक्वल तो है ही. तो A इक्वल्स टू A फॉर ऑल A इन Z, दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव. नाउ इफ यू से A इक्वल्स टू B, ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो राइट B इक्वल्स टू A. That means A related B implies B related A. Therefore, the relation is symmetric also. And third one is also obvious. A is equal to B and B equal to C. If you assume these two values, A बराबर है B के और B बराबर है C के, then obviously A किसके भी बराबर होगा, C के भी बराबर होगा. That means it is transitive also. Therefore, equals to का जो relation है, वो reflexive भी है, symmetric भी है और transitive भी है. So, this is an equivalence relation on set. अब equality की बजाय अगर हम less than or equal to ले, तो देखिए क्या होगा. Less than or equal to. Less than or equal to में क्या होगा? अब 1 less than equal to 2 है. But क्या आप ये कह सकते हैं 2 less than equal to 1? No. So, it is not symmetric. Hence, less than or equal to वाला जो relation है, वो equivalence relation नहीं है. But, ये तो हमने सिमेट्रिक एक, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमने वो वाली प्रॉपर्टी बता दी कि कौन सी प्रॉपर्टी में फेल है. बट अगर आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें या ट्रांसिटिव के लिए चेक करें, ये दोनों के दोनों को सेटिस्फाई जरूर करेगा. बिकॉज यू कैन से ए लेस देन और इक्वल टू ए फॉर एवरी ए, एंड इफ ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू सी, देन ऑब्वियसली ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो. नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशंस, the relation of congruence modulo m. That is very very important relation. We are defining this relation and then we prove that this relation is an equivalence relation. Now firstly, what is congruence modulo m? Let m is a positive integer greater than 1. m hamare paas koi bhi ek positive integer hai jiski value 1 se greater hai. तो हमारे पास रिलेशन क्या है इस कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एम की, भी डेफिनेशन इसी में आ जाएगी. ए इज रिलेटेड टू बी, ए कॉमा बी लिखा है, दैट मींस आर क्या है, रिलेशन ए रिलेटेड टू बी किस रिलेशन के अंडर रिलेटेड है, इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम. दिस सिंबल को हम पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रेंट मॉडुल, कॉन्ग्रेंट ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम. तो इसका मतलब होता है एम डिवाइड्स ए माइनस बी. जो ये अंदर m हमने लिखा है, ये इस a माइनस बी, इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको क्या करना चाहिए, ये डिवाइड करना चाहिए. तो हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन, ये जो है a और b कॉन्ग्रेंट मॉडुलो के रिलेशन में आ गए. तो जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल की बात करता हूं, एक एग्जांपल हम लेते हैं. तो जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास यहां पर 5 है, 5 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो, 1 मॉडुलो 2. तो आप देखिए क्या ये सही होगा, क्योंकि चेक कीजिए 5 माइनस 1 वो हमारे पास किसके बराबर आता है, 4. 5 माइनस 1 इज 4. अब ये देखिए मॉडुलो कितना लिया हमने, 2. तो क्या 2 डिवाइड्स 5 माइनस 1 है, चेक कीजिए 2 डिवाइड्स 5 माइनस 1, इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू. देयरफॉर वी कैन राइट 5 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 2. बट अगर हम, मैं यहां पर मान लीजिए मॉडुलो 3 कर दूं, मॉडुलो 3, तो क्या होगा 5 माइनस 1 इज 4. तो क्या यहां पर जो अगर हम 2 की बजाय क्या लेंगे 3, तो क्या ये 3 5 माइनस 1 को डिवाइड करता है, नहीं. तो हम क्या कह देंगे 5 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 3. तो ये मतलब है इस रिलेशन का. उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन अब समझ आ गई होगी. तो अभी हम इसका आगे का जो है वो, इसको कैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले a कॉन्ग्रेंट b मॉडुलो m इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स a माइनस b, ये हमारे पास डेफिनेशन. अभी पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे. तो अगर हम कोई भी इंटीजर a ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली a माइनस a, हमने रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना होता है कि यहां पर दोनों तरफ a आए, a इज रिलेटेड टू a हो. तो दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं,
ए माइनस बी की बजाय क्या कर रहे हैं, ए माइनस ए, और ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, और हर एक नंबर जीरो को तो डिवाइड करता ही है. सो वी कैन राइट ए कॉन्ग्रेंट ए मॉडुलो एम फॉर ऑल ए, दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट मॉडुलो एम इज रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक की बात करेंगे, कोई भी दो इंटीजर लिए ए और बी और मान लिया ए रिलेटेड बी है, दैट मीन्स ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम, तो क्या कंडीशन लगेगी, m डिवाइड्स a माइनस बी. अगर m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस बी m का मल्टीपल है, सो सपोज m इंटू एन फॉर सम इंटीजर n. अभी अगर हमने a माइनस बी की बात करी है लेकिन हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है b कॉन्ग्रेंट मॉडुलो a, तो हमें क्या चाहिए, b माइनस a चाहिए. तो b माइनस a, यहां से b माइनस a की वैल्यू बनाइए क्या आएगी, अगर हम यहां पर नेगेटिव करते हैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b माइनस a बन जाएगा, b माइनस a, और यहां पर जो माइनस है वो मैं n के साथ लगा रहा हूं. तो ये भी देखिए आपके पास क्या हो गया, b माइनस a इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ m, सो वी कैन से m डिवाइड्स b माइनस a, हेंस b इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉडुलो m, दिस इंप्लाइज मॉडुलो m कॉन्ग्रेंट मॉडुलो m इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन. अभी नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट हम वेरीफाई करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिव. तो इसके लिए हमें तीन इंटीजर चाहिए ए बी सी, सच दैट ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम, और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, बी कॉन्ग्रेंट सी मॉडुलो एम, मींस ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी. तो अभी अगर ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम है तो एम डिवाइड्स ए माइनस बी, और बी कॉन्ग्रेंट सी मॉडुलो एम है तो एम डिवाइड्स बी माइनस सी. तो अभी m डिवाइड्स a माइनस बी जो है, इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा कि a माइनस बी m का मल्टीपल है, देयर विल बी ए इंटीजर p, देयर विल बी ए इंटीजर p सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू p, और सिमिलरली m अगर b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो b माइनस सी, देयर शुड बी ए इंटीजर q सच दैट b माइनस सी इक्वल टू m इंटू q. तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए, a रिलेटेड b, B related C, तो अभी हमें चाहिए A is related to C, A congruent C modulo M, यानी हमें किन की subtraction चाहिए, A और C की. तो आप यहाँ पर observe कीजिए A minus B और B minus C, इनको अगर हम दोनों को add करेंगे तो हमारे पास ये देखिए B और B cancel हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, A minus C, तो इन दोनों को हम add कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा इधर right hand side के according, MP plus MQ, और m अगर कॉमन आएगा p प्लस q, तो a माइनस c भी किसका मल्टीपल बन गया, m का मल्टीपल, सो m डिवाइड्स a माइनस c, सो वी कैन से a कॉन्ग्रेंट c मॉडुलो m, देयरफॉर दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव. नाउ सिंस कॉन्ग्रेंट मॉडुलो m इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देयरफॉर कॉन्ग्रेंस मॉडुलो m इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द इंटीजर्स. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट एस इज इक्वल टू, रिलेशन डिफाइन है ए कॉमा बी, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज द सेट, सॉरी दिस इज नॉट ए रिलेशन, दिस इज द सेट इन विच वी हैव ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, दिस इज ए एलिमेंट ऑफ द सेट एस इन विच बोथ द एलिमेंट्स आर इंटीजर, बट जो सेकेंड एलिमेंट है दैट शुड बी नॉन जीरो. अब इस सेट के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, ये हमारा रिलेशन ए बी रिलेटेड टू सी डी. तो इस सेट का एक एलिमेंट हो गया ए कॉमा बी, ये एक सिंगल एलिमेंट है इस सेट का, और ये दूसरा एलिमेंट है इस सेट का, और ये दोनों आपस में कब रिलेट होंगे, जब ये वाली वैल्यू हमारे पास जीरो आएगी, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड एंड हेयर थर्ड, and their subtraction should be equal to zero. This is the condition for a comma b related to c comma d. Show that this is an equivalence relation. So firstly, for a b in s, we have to verify the reflexive property. That means we must have a b related to a b. So a b related to a b में हम क्या करेंगे? First और last की multiplication क्या आएगी? a into b. ये देखिए पहले लिखा a into b. फिर सेकेंड और इस थर्ड की मल्टीप्लीकेशन बी इंटू ए, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, जीरो. तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो.
और अगर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, अभी हमें क्या चाहिए अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है, सी डी रिलेटेड टू ए बी, यानी हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट की प्रोडक्ट देखिए सी इंटू बी, और सेकेंड और थर्ड की प्रोडक्ट देखिए डी इंटू ए, यानी कि सी बी माइनस डी ए, ये वैल्यू चाहिए और ये जीरो आनी चाहिए। तो आप देखिए यहां पर सी बी और बी सी ये एक ही बात है, डी ए और ए डी ये एक ही बात है, तो इन इक्वेशन को हम दोनों साइड माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट सी बी माइनस डी ए, ये टर्म पहले आ जाएगी और ये टर्म बाद में आ जाएगी, सी बी माइनस डी ए, और अगर ये जीरो है, जीरो को तो माइनस से मल्टीप्लाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो सी बी माइनस डी ए भी क्या होगा, जीरो। तो ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक भी है। अभी हम बात करते हैं ट्रांसटिव के लिए, तो ट्रांसटिव के लिए ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये दो एलिमेंट ये हो गए, और कंटिन्यूएशन में ही सी डी रिलेटेड टू ई एफ, और कंडीशन क्या रहेगी, बी डी और एफ ये क्या होंगे, नॉन जीरो, बिकॉज ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन थी कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो हर एक पेयर का नॉन जीरो होगा। अभी हमने कंडीशन ली ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ली सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो क्या आएगा, सी एफ माइनस डी इक्वल टू जीरो। इट फॉलोज दैट अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने प्रूव करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमने किसकी प्रोडक्ट चाहिए हमें, ए और एफ की, अगर हमने ए बी रिलेटेड ई एफ करना है तो ए और एफ और यहां पर बी और ई की। तो ये देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ए डी माइनस बी सी को मल्टीप्लाई कर लिया एफ से, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया बी से, ऑब्वियसली इसको एफ से मल्टीप्लाई करिए, इसको बी से मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू तो जीरो ही है, तो एडिशन भी इनकी क्या आएगी, जीरो। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बनेगा, जीरो इक्वल टू ए डी एफ माइनस बी सी एफ, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, बी सी एफ माइनस बी डी ई, बी सी एफ बी सी एफ कैंसल, तो इट मीन्स क्या रह गया हमारे पास, ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों में से डी कॉमन आया, ए एफ माइनस बी ई। अभी डी तो हमारे पास क्या गिवन था, देखिए नॉन जीरो, डी इज नॉन जीरो, और अगर डी नॉन जीरो है, इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो अगर कोई दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जीरो होती है तो कम से कम उन दोनों में से एक एलिमेंट जो है वो जीरो जरूर होता है, तो बट डी तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब जीरो कौन होगा, ए एफ माइनस बी ई। तो आप देख लीजिए हमें क्या प्रूफ करना था, ए बी यहां पर, सॉरी यहां पर आएगा ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो यही कंडीशन हमारी बनती है। मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं आपके लिए, यहां पर जो रहेगा हमारे पास ये होगा बी ई, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो और इसका मतलब ए बी रिलेटेड टू ई एफ, देखिए कंडीशन बन रही है ना, फर्स्ट और इसकी प्रोडक्ट और सेकेंड और इसकी प्रोडक्ट बी ई, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जीरो, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव आल्सो, हेंस ये जो हमारे पास रिलेशन है ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तो थी हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन जो है हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, एक सेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में उनमें से एक जैसी जो चीजें हैं वो अलग करके दे देगा और दूसरे जैसी जो चीजें हैं वो अलग करके दे देगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंस क्लासेस, उसमें वो कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर हम जस्टिफाई करके बताएंगे कि कैसे आपको एक तरह की चीजों को अलग करना है, दूसरे तरह की चीजों को अलग करना है विद द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। सो थैंक यू वेरी मच।